तो हाय गाइस, दिस इज नाशिद और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको के 480 जो है और के 380, इस दोनों में आपको कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, और आई थिंक ये कीबोर्ड दोनों काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि दीज आर रियली सिमिलर, क्योंकि वायरलेस कीबोर्ड है और तीन डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और काफी ज्यादा डिफरेंट भी है। ठीक है, तो बात करते हैं आपको थोड़ा अंदर जाके। चलिए देखिए, तो इस दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और आपको ये लेना चाहिए या ये वाला कीबोर्ड लेना चाहिए। ठीक है, दोनों जो कीबोर्ड्स हैं ये लॉजिटेक के हैं। इसका लगभग आपको 1500, अगर कुछ सेल चल रहा होगा तो प्राइस पड़ जाएगा, इसका आपको 2500 पड़ जाएगा जब अगर कोई सेल चल रहा है। ऐसे ये 2000 का है और ये 3000 का है। ठीक है, और देखिए इसके साथ पोर्टेबिलिटी मिलती है, इसके साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी इज अलॉट अच्छी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी इन कंपैरिजन टू दिस। इसमें जो कीबोर्ड है ये आपको सीजर मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, तो द क्वालिटी ऑफ स्विचेस, द क्वालिटी ऑफ टाइपिंग, यू नो द थिंग एंड जस्ट यू नो एंड द एक्सपीरियंस ऑफ टाइपिंग इट, ये काफी अच्छा, जो आपको ये थोड़ा सा सेटिस्फाइंग टाइप का है। ठीक है, इस बाउंस बैक नहीं मिलता है उतना ज्यादा इन कंपैरिजन टू ये वाला जो है, ये इसका नाम है आपको लॉजिटेक 480 और 480 कहा जाता है। और मैंने यही बताया कि ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है। इसमें कौन से स्विचेस हैं, इसमें आपको रबर डोम स्विचेस हैं। ठीक है ना, थोड़ा मेम्ब्रेन वाला जो स्विच होता है वो स्विच है। और इसमें देखिए, इसमें आपको डिवाइसेस में स्विच करने का थोड़ा क्विक तरीका है। आप देखिएगा मेरे, अगर लैपटॉप में आप देखिएगा तो कनेक्शन लॉस दिखा रहा होगा, यहाँ पर भी अभी भी जब ऐसे करेंगे तो कनेक्शन कनेक्टेड दिखाएगा। ओके, यू कैन सी लाइक दैट। और इसमें जो है, इसमें आप देखिएगा ना कि यहाँ पर लिखा हुआ F1, F2, F3 जो है ये यूज होता है आपको कीबोर्ड में ये करने के लिए। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कुछ स्विचेस नहीं है जो इसमें है, जैसे आपको इसमें बैक और सर्च स्विच है जो स्पॉटलाइट हो जाएगा मैक के लिए, इसमें नहीं है। इसमें यहाँ पर ये स्विचेस हैं आपको डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ होम है और मतलब यहाँ पर आपको डेस्कटॉप के लिए स्विच करने के लिए है। ठीक है, और नहीं, सर्च का सिर्फ नहीं है, यहाँ पे बैक है, उसके बाद से ये मीडिया प्ले बटन है और उसके बाद से म्यूट और आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन है। यहाँ पर हम सिर्फ मिस करते हैं ये दोनों कीबोर्ड में आपको ब्राइटनेस अप ब्राइटनेस डाउन, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, और ये नहीं हो पा रहा है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास लॉजिटेक MX मास्टर, इसकी भी जो कीज है ना इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसमें मैंने कस्टमाइज किया हुआ है और वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन ये सब इसके अंदर स्विच है और इसके अंदर स्विच है, इसको किया हुआ मैंने, सॉरी ब्राइटनेस अप ब्राइटनेस डाउन। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ होता है इसमें, इसका ये K380 में, और इसमें स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं है कहीं पे, यहाँ पे आप इसको दाबिएगा तो मतलब स्विच ऑन ऑफ हो जाता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, डेलिकेटेड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये वाला जो बटन है ये ज्यादातर हमें मेनली इस्तेमाल किया जाता है स्विचिंग बिटवीन, आप इसको दाबिए और कनेक्ट करने के लिए। ये अगर आप इसको ये यहाँ पर आई दाबना है तो आपको मैक ओएस और iOS के डिवाइस के लिए ऑन रहेगा, अगर एंड्रॉयड और विंडोज मैक के लिए है तो ये वाला स्विच ऑन रहेगा। और आपको पता चल जाएगा जब यहाँ पर आप इसको ये जैसे लेट सपोज दैट कनेक्टेड किया आपने टू एंड्रॉयड से, तो ये वाला जो है ये वाला स्विच आपको ऑन होगा, यहां पर आप बत्ती जलने लगेगी। देखिए यहां पर अभी जब हम थ्री में जा रहे हैं और ये दोनों या दो में जा रहे हैं, कोई डिवाइस से अभी कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए जल रहा है क्योंकि किसी से भी कनेक्ट किया जा सकता है टू और थ्री, और वन में आपको मैकबुक से कनेक्टेड है तो इस वजह से सिर्फ ये वाली बत्ती जल रही है, थिंग्स लाइक दैट। और अगर आप बात करें, मैंने बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की और अभी तक तो मैं दोनों को लगभग 8-10 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको थोड़ा 5-6 दिन से, इसको 8-10 दिन से, तो बिल्ड क्वालिटी मैंने मतलब काफी ज्यादा नोटिस किया है कि इसकी काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन ये काफी ज्यादा पोर्टेबल है और मतलब इन कंपैरिजन टू ये, इसमें जैसे आपको बैटरी लाइफ ज्यादा अच्छी है, मतलब मैंने ऐसा सुना है, उतने दिन तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है लेकिन तब भी। और आप कह सकते हैं इसके पास जो लॉजिटेक का फ्लो टेक्नोलॉजी है, जो मतलब कट पेस्ट किया जा सकता है
टेक्स्ट बिटवीन द डिवाइसेस जो ये वाले कीबोर्ड के साथ फीचर नहीं आता है। और जाहिर सी बात है, ये आप सोचिए ना कि ये इसके साथ क्रेडल भी आता है, सिर्फ ये पोर्टेबल ज्यादा है लेकिन, और स्विचेस की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आप कह सकते हैं फीचर के मामले में K80 ज्यादा अच्छा है, ज्यादा लॉन्ग सेट ऑफ फीचर्स आते हैं इसके साथ। और एक बात जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंने नोटिस की है आपको K80 के साथ, कि इसका रिस्पॉन्स टाइम और लेटेंसी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। ये हमको ऐसा लगता है कि ये स्विच जो है, ये टाइप ऑफ स्विचेस आपको, ये रबर डोम स्विच है और आपको ये सीजर स्विच है, तो दाबने में ही लेटेंसी पता चल जाती है और काफी ज्यादा आपको कह सकते हैं कि इसमें लेट हो जाता है, इसमें ये हो जाता है। और एक आप कह सकते हैं कि K480 में एक बटन जो है वो स्क्रीनशॉट के लिए, ये काफी अच्छा काम करता है। अभी लॉक है, मतलब लॉक भी आप कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दैट इज रियली रियली गुड। ओके, और यही सब कहना था आपसे, मतलब अगर आप वर्क स्टेशन चेंज नहीं करते हैं तो यू शुड यूज दिस। और आपको पोर्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी चाहिए, आपको कलर चॉइसेस ज्यादा अच्छी चाहिए तो आपको कलर चॉइसेस भी इसमें ज्यादा मिल जाती हैं। और आपको अगर टाइपिंग एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा चाहिए तब भी आपको ये आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक्सपेंसिव भी ज्यादा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ये लॉजिटेक के मतलब वेबसाइट में मैंने देखा है कि इसको भी पोर्टेबल बोल रहे हैं, लेकिन लगभग ये 900 800 900 ग्राम का है। एग्जैक्टली आई थिंक आई रिमेम्बर 880 ग्राम। सो मतलब आई डोंट थिंक सो दीज डेज 1 kg के 1.5 kg के लैपटॉप्स आते हैं, तो आई डोंट नो। और यू थिंक लाइक वाई आई एम यूजिंग और यू नो बाइंग कीबोर्ड्स, क्योंकि कीबोर्ड बहुत सारे मैकबुक है ना, वो 2017 2018 के जो बटरफ्लाई स्विचेस जो थे वो खराब हो चुके हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बहुत लेट में रिस्पॉन्स करते हैं, दैट्स वाई आई एम गेटिंग इन टू कीबोर्ड्स। और इन दोनों कीबोर्ड अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक ठाक है तो यू विल लाइक दिस। और आपको कस्टमाइजेशन मतलब आपको काफी अच्छे अच्छे कलर्स में भी ये मिल जाता है, अगर आपको अच्छा लगता है कलर्स। आई 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 हैव बॉट सैंड कलर, क्योंकि मतलब थोड़ा सा गंदा भी होगा, व्हाइट हमको ज्यादा अच्छा लग रहा था लेकिन थोड़ा गंदा होगा तो इट्स लाइक ज्यादा गंदा लगेगा नहीं इन कंपैरिजन टू व्हाइट, व्हाइट येलो येलो हो जाता है। और एक बात, इनके मतलब स्टिकर है ये लेबल्स के, कीज के लेबल्स के, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक कम से कम 2000 या 3000 आप खर्चा कर रहे हैं, मतलब इसी के बारे में बात करें, अगर 3000 खर्चा कर रहे हैं तो कम से कम की कैप ही पर लेबल होना चाहिए, उसके स्टिकर्स नहीं होने चाहिए। आई थिंक आप ज्यादा दिन यूज कीजिएगा तो स्टिकर वहां से जा सकता है। और ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये K80 में आपको स्क्रीनशॉट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है डेडिकेटेड या लॉक करने के लिए, इसमें आपको ये टैब में फीचर दिया गया है। और या आप देख सकते हैं कि मैक और विंडोज दोनों के लिए वाली कीबोर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्ट या ऑप्शन की है, कमांड या अल्ट है, ये सब चीज कंट्रोल या अल्ट या ऑप्शन के लिए आप इस्तेमाल किए, ऑप्शन के लिए मैकबुक के लिए ऑप्शन हो गया, विंडोज के लिए आपको कंट्रोल हो गया, थिंग्स लाइक दैट। तो बस यही सब कहना था आपसे। आई डोंट नो मतलब कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन एक हफ्ते में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू दिस। ये फीचर में ज्यादा अच्छा है, ये कट कॉपी जो करता है डिवाइसेस बिटवीन फोन्स एंड लैपटॉप दैट इज अमेजिंग। बैटरी लाइफ इसकी ज्यादा अच्छी है लेकिन मैंने सुना नहीं है, क्या देखा नहीं है, ये आपको ज्यादा क्या कह सकते हैं कलर्स में आता है, अगर आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन चाहिए तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये मैंने काफी अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब बिट्स लाइक का हमको ऐसा लगा कि काफी अच्छा है, मतलब ऑन एंड ऑफ फीचर और बत्ती भी है, और ये हमको अच्छा लगा कि यहाँ पर भी बत्ती दी गई है, कौन से डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन तब भी ठीक है, आप काफी कम 1000 रुपए का अंतर है तो दैट इज क्वाइट अलॉट, 2000 और 3000, लेकिन आप कह सकते हैं कि द आंसर विच इज बेटर इट डिपेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा K480 और K380 के डिफरेंसेस के बारे में। और एक हफ्ते से यूज कर रहे हैं तो और भी ज्यादा हमको ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीजें हमको एक्सपीरियंस होंगी, लेकिन अभी तक तो यही सब एक्सपीरियंस हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। और बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड बी कनेक्टेड, स्टे हार्ड।
बी फिट।